हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मार्टिंगल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। देखिए, अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो आपने मार्टिंगल का नाम जरूर सुना होगा। मार्टिंगल है एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बेसिकली इसको हम यूज करते हैं एडजस्टमेंट पर्पज के लिए। कि आपने कोई ऑप्शन सेल कर रखा है और मार्केट अब उसको चैलेंज कर रहा है, तो वहां पे हम मार्टिंगल स्ट्रेटजी का यूज करते हैं उस पोजीशन को मैनेज करने के लिए, उसमें एडजस्टमेंट्स करने के लिए। तो मार्टिंगल स्ट्रेटजी है ये बेसिकली एक एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी है। तो आज मैं आपको मार्टिंगल स्ट्रेटजी का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा कि ये क्या होती है, ये कब आपको ट्रेड करनी चाहिए और इसमें क्या आपको बेनिफिट मिलता है और क्यों ये आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और वहां पर ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। लेकिन स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को, दैट इज 9 अप्रैल को, मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है स्ट्रेंगल के ऊपर। इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेंगल का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, आपके ग्रीक्स कैसे होने चाहिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या होती है एक स्ट्रेंगल में। उसके अलावा अगर मार्केट आपकी स्ट्रेंगल को चैलेंज करता है तो आप यहाँ पे किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट क्या होते हैं ये हम सीखेंगे। और ये सिर्फ आपको मंथलीज में ही नहीं, ये आपको वीकलीज में भी बताया जाएगा कि अगर आप वीकलीज में स्ट्रेंगल को ट्रेड करते हो तो वहां पे आप एक स्ट्रेंगल को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, वहां पे आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो, और अगर मंथलीज में आप स्ट्रेंगल को ट्रेड करते हो तो वहां पे आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट बेसिकली क्या होते हैं, डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट को यूज करके और आप किस तरह से एक स्ट्रेंगल को मैनेज कर सकते हो ये आपको बताया जाएगा। तो ये कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है स्ट्रेंगल के ऊपर। ये वर्कशॉप कमिंग संडे को कंडक्ट होगी, दैट इज 9 अप्रैल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब आज के अपने टॉपिक पे आते हैं, मार्टिंगल स्ट्रेटजी को समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और कब हमें ये ट्रेड करनी चाहिए। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और यहां पर अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्टिंगल स्ट्रेटजी है वो क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको ट्रेड किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्टिंगल स्ट्रेटजी है ये बेसिकली एक एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी है। जब हम किसी ऑप्शन को सेल करके काम करते हैं और मार्केट हमारी बेचे हुए ऑप्शन को चैलेंज करता है तो वहां पे हम मार्टिंगल का यूज करते हैं। तो बेसिकली मार्टिंगल में क्या होता है, अगर हमने एक ऑप्शन को सेल कर रखा है और मार्केट उसको चैलेंज करता है तो हम डबल क्वांटिटी कर देते हैं और बाहर के ऑप्शन को जाके सेल करते हैं। मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस को मैंने सेल किया है और मार्केट अब वहां पे पहुंच गया है, उसको चैलेंज कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस पोजीशन को मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा और जितने लॉट मैंने सेल कर रखे हैं उनको डबल कर दूंगा, डबल क्वांटिटी को मैं आगे जाके सेल करूंगा ताकि मुझे सेम काइंड ऑफ प्रीमियम रिसीव हो। तो इस चीज को बोलते हैं मार्टिंगल। मार्टिंगल बेसिकली क्वांटिटी को डबल करने को बोलते हैं कि जो क्वांटिटी मैंने सेल कर रखी है उस क्वांटिटी को मैं डबल कर रहा हूं और बाहर जाके मैं सेल कर रहा हूं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मार्टिंगल। ये बेसिकली एक एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो डोंट वरी, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि मार्टिंगल क्या होता है, कैसे इसके थ्रू हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, अभी अप्रैल की सीरीज चल रही है तो मैं आपको सिमुलेटर में लेके चलूंगा और मार्च के मंथ में ये आपको करके दिखाता हूं। तो सिमुलेटर को मैं ओपन कर लेता हूं। यहां पर आपको क्या करना है, लेट से मैं 1 मार्च को ट्रेड को इनिशिएट करता हूं। यहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है 17500 पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूं नीचे जाके। 17500 है ये एट द मनी का लेवल है, तो इससे मैं नीचे आता हूं और लेट से मैं 17000 का एक पुट ऑप्शन सेल कर देता हूं जिसका प्रीमियम है 82 रुपीज और इसका डेल्टा कितना है 22, तो इसका एक लोट मैं सेल कर देता हूं। अब देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया है, 17000 के पुट ऑप्शन को सेल कर दिया है 82 रुपीज में। अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन को सेल किया है, दैट मींस मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा फेवरेबल मूव है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब मार्केट नीचे जाए तो आप मार्टिंगल को यूज करके और अपना जो ब्रेक इवन है इसको और नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। और इसको आप नीचे किस तरह से शिफ्ट करोगे, जितने लॉट आपने सेल किए हैं इस क्वांटिटी को आपको डबल करते हुए जाना है, इसी चीज को मार्टिंगल बोलते हैं। अब देखिए, आपको ट्रेड करनी चाहिए या नहीं ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, अभी मैं आपको बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि मार्टिंगल होता क्या है। तो चलिए एक एक दिन करके अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमारी पोजीशन को किस तरह से चैलेंज करता है। अब देखिए, एडजस्टमेंट आपको कहां पे करने हैं, सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। एक ट्रेडर है वो तब एडजस्टमेंट करेगा जब डेल्टा है वो 30 को क्रॉस कर जाएगा, एक ट्रेडर है वो एडजस्टमेंट तब करेगा जब उसकी बेची हुई स्ट्राइक है वो एट द मनी हो जाएगी, और एक ट्रेडर है वो एडजस्टमेंट तब करेगा जब उसका प्रीमियम है वो डबल हो जाएगा। मतलब जितना उसने प्रीमियम सेल किया है उसका डबल अगर हो जाएगा तो वो एडजस्टमेंट करेगा। तो एडजस्टमेंट करने की टेक्निक है, ये सबकी अलग अलग होती है, क्राइटेरिया है ये अलग अलग होता है।
यहाँ पे लेट से मैंने 82 रुपीज में इसको सेल किया है 17,000 के पुट ऑप्शन को, तो अगर ये डबल हो जाएगा तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। लेट से मैं ये क्राइटेरिया लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं देखिए दिखाता हूँ आपको, 82 रुपीज में मैंने सेल किया है और अगर ये 165 हो जाता है तो फिर यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो एक एक दिन करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए मेरा 500 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट है और ऊपर गया है मार्केट, देखिए 1200 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट 17500 पे था और वहीं पे अभी है, दैट मींस मार्केट में वॉलेटिलिटी है, वो नीचे गई होगी, इसी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ है। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट 300 पॉइंट ऊपर गया है और यहाँ पे देखिए मेरा प्रॉफिट है 2700 रुपीज का है। मैं पीएनएल देखता हूँ, 82 रुपीज में जो मैंने सेल किया था वो 28 रुपीज रह गया है। अब देखिए जब आप ऑप्शन को सेल करके काम करते हो, अगर आपके बेचे हुए ऑप्शन में प्रीमियम 15 या 10 से नीचे चला जाता है तो मैं आपको बोलता हूँ आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर आप स्ट्रेटजीज के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे एडजस्टमेंट कर दीजिए। एडजस्टमेंट आपको तब नहीं करना चाहिए जब मार्केट आपको चैलेंज कर रहा है, वो सिर्फ अकेली कंडीशन नहीं है, मतलब वहां पे तो हमें एडजस्टमेंट की जरूरत है ही, लेकिन अगर दूसरी तरफ जो आपकी नॉन चैलेंज साइड है अगर वहां पे प्रीमियम कम हो गया है तो भी आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए अपने ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे प्रीमियम है 28 रुपीज का है। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन 42 हो गया, दैट मीन्स मार्केट वापस नीचे गया है। नेक्स्ट डे देखते हैं, यहाँ पे मार्केट वापस ऊपर आया है, मेरा प्रॉफिट है 2700 रुपीज का है और यहाँ पे मार्केट देखिए तेजी से नीचे आया है और मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया है, अब सिर्फ 400 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मैं प्रीमियम्स देखूं तो जो 82 रुपीज में मैंने सेल किया था ये वापस 74 रुपीज हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले दिन ये 47 हो गया, मेरा प्रॉफिट है ये 1800 रुपीज का है और मार्केट ट्रेड कर रहा है 17500 पे। नेक्स्ट देखते हैं, अगले दिन मार्केट और तेजी से नीचे गया है और मेरा लॉस है 2600 रुपीज का हो गया है। देखिए मार्केट में एक तेज गिरावट आई है, पिछले दिन मार्केट कहां पे था, 17500 पे मार्केट ट्रेड कर रहा था और नेक्स्ट देखिए मार्केट 17200 पे चला गया, मार्केट में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है और यहाँ पे देखिए 2600 रुपीज का मुझे लॉस हो रहा है। और अगर मैं प्रीमियम्स को देखूं तो जो मैंने 82 रुपीज में सेल किया था वो 134 रुपीज का हो गया है। मैं एडजस्टमेंट कब करूंगा, क्या क्राइटेरिया रखा है कि जो प्रीमियम मैंने सेल किया है जब इसका डबल हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगले दिन जो प्रीमियम है ये 106 हो गया है और मेरा लॉस है ये 1200 रुपीज का है। उससे अगले दिन देखते हैं, उससे अगले दिन आप देखिए जो प्रीमियम है ये 215 रुपीज का हो गया है और मार्केट कहां पे चला गया, 17,000 जो लेवल मैंने सेल कर रखा है मार्केट वहीं पे पहुंच गया, दैट मींस जो स्ट्राइक मैंने सेल की है ये एट द मनी हो चुकी है और प्रीमियम जो मैंने 82 रुपीज में सेल किया था वो अब 215 रुपए का हो गया है। 215 रुपीज का प्रीमियम हो गया है जो डबल था उससे भी ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ पर अब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो देखिए एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम मार्टिंगेल को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मार्टिंगेल को आप किस तरह से यूज कर सकते हो, मार्टिंगेल के थ्रू आप इस पोजीशन को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो मार्टिंगेल में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इस पोजीशन में से मैं एग्जिट लूंगा और डबल क्वांटिटी को मैं सेल करूंगा और वो डबल क्वांटिटी जो मैं सेल कर रहा हूँ वो सेल करके मैं क्या कलेक्ट करूंगा, ये प्रीमियम 215 रुपीज का। जिस प्रीमियम पे मैं एग्जिट हो रहा हूँ मेरी ओरिजिनल पोजिशन से, वही प्रीमियम मैं रिसीव करूंगा डबल लोड सेल करके, ताकि मार्केट से और मुझे स्पेस मिल जाए और मैं नीचे जाके दो लोड सेल करके और सेम काइंड ऑफ प्रीमियम कलेक्ट कर सकूं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पोजीशन को आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है। तो 82 रुपीज में जो मैंने सेल की थी ये 215 की हो चुकी है, तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा और अब दो लोड सेल करके और 215 में कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। That means, जो प्रीमियम मैं रिसीव करूंगा वो 105 या 110 रुपए का होगा। तो जहां पे जिस पुट के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 110 या 105 होगा उसके दो लोट में सेल करूंगा। देखिए क्वांटिटी है वो मुझे डबल करनी है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक लोट है, तो अब मैं क्या करूंगा दो लोट सेल करूंगा। तो ऑप्शन चेन को मैं ओपन करता हूं और पुट साइड में मैं देखता हूं 16700 है, इसका प्रीमियम कितना है 111, तो इसके दो लोट अगर मैं सेल करता हूं तो टोटल प्रीमियम मैंने कितना रिसीव कर लिया, 111 इसका प्रीमियम है और दो लोट मैंने सेल किए हैं, दैट मींस मैंने टोटल प्रीमियम कितना रिसीव कर लिया 222 है, ये मैंने क्रेडिट रिसीव कर लिया है और मैंने डेबिट कितना पे किया था 215, मतलब जितना मैंने डेबिट पे किया है उससे ज्यादा मैंने क्रेडिट रिसीव कर लिया है। और इसका इफेक्ट क्या आएगा, आप पे ऑफ चार्ट देखिए,
आपने मार्केट से ओवर टाइम ले लिया है, आपका ब्रेक इवन है, ये और नीचे शिफ्ट हो गया है और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये अभी भी उतना ही है, आपने अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे सैक्रिफाइस नहीं किया है। तो मार्टिंगेल स्ट्रेटजी है ये इसीलिए यूज करते हैं कि आप अपना ब्रेक इवन है उसको भी नीचे शिफ्ट कर दो और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उस पर भी आप सैक्रिफाइस ना करो। आपने क्रेडिट पर किसी तरह का कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है, जितना प्रॉफिट आपका पहले था उतना ही अभी भी है, थोड़ा सा ज्यादा ही है क्योंकि हमने क्रेडिट रिसीव किया एडिशनल, हमने पे किया है 215 रुपीज और हमने रिसीव किया है 222 रुपीज, तो इस वजह से मैक्सिमम प्रॉफिट है थोड़ा सा ऊपर ही गया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मेरा जो नेट क्रेडिट है उस पर मैं सैक्रिफाइस नहीं कर रहा हूं और ब्रेक इवन है उसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो ये होता है मार्टेंगल। मैंने एक लोट सेल कर रखा था और जैसे मार्केट ने इसको चैलेंज किया मैंने नीचे जाके और दो लोट सेल कर दिए। अब लेट से मार्केट और नीचे चला जाता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो लोट मैंने सेल कर रखे हैं, अब मार्केट अगर इसको भी चैलेंज करता है तो मैं फिर से मार्टेंगल करूंगा और अब मैं चार लोट सेल करके सेम काइंड ऑफ प्रीमियम रिसीव करूंगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अगले दिन मार्केट थोड़ा ऊपर आता है, मेरा लॉस है 1100 रुपीज का है, यहाँ पे मेरा लॉस है 3400 रुपीज का है, मार्केट वापस नीचे आ गया है। यहाँ पे देखिए मैंने जो प्रीमियम सेल किया है ये 111 का है, अगर ये 222 हो जाता है तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। अगले दिन और कम होता है, ये ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का मेरा लॉस है, 23 रह गया है, मेरा जो प्रॉफिट है 2200 रुपीज का है, दैट मींस मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट 17100 के लेवल पे है, अभी भी मार्केट वहीं पे है, मेरा प्रॉफिट है 2600 रुपीज का है। नेक्स्ट डे मार्केट नीचे गया है लेकिन मेरा प्रॉफिट है 2000 रुपीज का है, क्यों, क्योंकि एक्सपायरी को हम अप्रोच कर रहे हैं, 27th ऑफ मार्च हो चुका है और परसों दैट मींस 29th मार्च को यहां पे एक्सपायरी है, इस वजह से मार्केट नीचे तो गिरा है लेकिन वहां पे टाइम डिके है, जो थीटा डिके है वो भी ज्यादा हुआ है, इसी वजह से मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है और ये जो प्रीमियम है ये अभी भी 25 रुपीज है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले दिन ये प्रीमियम है ये सिर्फ 5 रुपए रह गया है क्योंकि एक दिन बचा एक्सपायरी में, और यहाँ पे आप देखिए मार्केट है ये थोड़ा सा ऊपर भी आया है, मेरा प्रॉफिट है यहाँ पे 4000 रुपीज का है। तो मार्टिंगल एक बार करने में मेरा काम हो गया, मार्केट नीचे गया था तो मैंने मार्टिंगल करके मेरे ब्रेक इवन को नीचे शिफ्ट कर दिया, उसके बाद मार्केट और ज्यादा नीचे नहीं गया है और इस ट्रेड में मुझे 4000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अगर मार्केट नीचे जाता, मान लीजिए 16700 पे मार्केट चला जाता तो मैं क्या करता, फिर मैं चार लोट सेल करता, दोबारा से मैं मार्टिंगल करता और चार लोट सेल करके मैं उसी तरह का प्रीमियम रिसीव करने की कोशिश करता जितना डेबिट में यहाँ पे इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए देता। तो कहने का मतलब ये हो गया मार्टिंगल जो स्ट्रेटजी है इसमें हम क्वांटिटी को डबल करते हुए जाते हैं, जो अगर मैंने एक लोट सेल कर रखा है अब मार्केट अगर उसको चैलेंज कर रहा है तो मैं दो लोट सेल करूंगा, अगर उसको भी मार्केट चैलेंज करता है तो मैं चार लोट सेल करूंगा। तो मार्टिंगल में जो क्वांटिटी है उसको हम डबल करते हुए जाते हैं। अब देखिए आपको ये तो पता लग गया कि मार्टिंगल क्या होती है, यहाँ पे बेसिकली जो क्वांटिटी है उसको हम डबल करते हुए जाएंगे, एक लोट सेल किया है तो मैं दो लोट सेल करूंगा, अगर उसको भी मार्केट चैलेंज करता है तो मैं चार लोट सेल करूंगा, इस तरह से जो क्वांटिटी में सेल कर रहा हूं उसको डबल करता हुआ जाऊंगा। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है और इसके ड्रॉबैक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मार्टिंगल स्ट्रेटजी के पीछे का आइडिया क्या है, एक ट्रेडर के मन में क्या होता है, जिस आइडिया के पीछे ये स्ट्रेटजी बनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट हमेशा के लिए ना नीचे गिरता रहेगा ना मार्केट हमेशा के लिए ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि एक एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डे पे मार्केट एक्सपायर होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल सीज टू एक्सपायर एक्सपायरी डे वाले दिन, तो इस वजह से कहीं ना कहीं तो एक्सपायरी होगी, तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सपायरी डे वाले दिन मार्केट कहीं ना कहीं एक्सपायर होगा। तो इसी चीज को यहाँ पे प्ले किया जा रहा है कि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरी क्वांटिटी को डबल करके और ज्यादा मार्केट से आगे जाके खड़ा हो जाऊंगा। अब लेट से मैंने मार्केट से 200 पॉइंट एडिशनल कुशन ले लिया है और मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से मेरी क्वांटिटी को डबल कर दूंगा और मार्केट से और ऊपर जाके खड़ा हो जाऊंगा। अब मार्केट अगर वहां से भी ऊपर जाता है तो मैं मेरी क्वांटिटी को फर्दर और डेवलप करूंगा और मार्केट से ऊपर जाऊंगा। तो जब मैं क्वांटिटी को डबल अप करता जा रहा हूं तो मैं क्रेडिट पर किसी तरह का कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा हूं और मैं मार्केट से एडिशनल स्पेस लेता जा रहा हूं, मैं मार्केट से थोड़ा थोड़ा आगे चलता जा रहा हूं और इवेंचुअली मार्केट कहीं तो जाके एक्सपायर होगा, तो जहां भी मार्केट एक्सपायर होगा मैं मार्केट से ऊपर रहूंगा और जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन मेरी जो ओपन पोजिशन है उसमें मेरा नेट प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा, जो मैंने टोटल लॉस बुक किया है पोजिशन पे उनसे ज्यादा प्रॉफिट मेरी जो ओपन पोजिशन होगी उसमें होगा, क्यों,
क्योंकि मैं क्वांटिटी को डबल करता हुआ आ रहा हूं, तो मैंने क्रेडिट पर किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस नहीं किया और इसीलिए एक्सपायरी डे वाले दिन मुझे यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा क्रेडिट है वो ज्यादा है, जो ओवरऑल मैंने लॉस बुक किया था उससे ज्यादा प्रॉफिट मेरी जो ओपन पोजिशन है उसमें होगा। तो मार्टिंगल का मतलब ये है कि इवेंचुअली मैं इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिटेबल ही निकलूंगा। देखिए, अगर आप मार्टिंगल करते हो तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी कंडीशन और भी है जो आप ओवरलुक नहीं कर सकते, और अभी तक आप वो समझ गए होंगे कि वो कंडीशन क्या है। वो कंडीशन ये है कि आपके पास आपके कैपिटल है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अगर मार्केट आपको चैलेंज कर रहा है तो आप मार्टिंगल कर करके और मार्केट से एडिशनल स्पेस लेते जा सकते हो कि मार्केट जितना ऊपर जा रहा है या जितना नीचे जा रहा है आप अपने ब्रेक इवन को उतना ही नीचे या ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आपके पास उतना मार्जिन होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि हर बार आप क्या कर रहे हो, आप अपने लोट साइज को डबल करते हुए जा रहे हो। एक लोट के अगेंस्ट आप दो लोट सेल कर रहे हो, दो के अगेंस्ट आप चार सेल कर रहे हो, चार के अगेंस्ट आप आठ लोट सेल कर रहे हो। तो क्या आपके पास उतनी कैपिटल है कि आप एक दो बार के बाद मार्टिंगल को कंटिन्यू कर पाओ? अगर हाँ आप कंटिन्यू कर पाओ, इतना कैपिटल आपके पास है, तो यहाँ पे आप 100% प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन अगर आपकी कैपिटल बीच में खत्म हो जाती है तो यहाँ पे आपके लॉसेज हैं वो एक्सपोनेंशियल होने वाले हैं, आपके लॉसेज हैं वो पाइल अप होते जाएंगे। तो अगर आपकी लिमिटेड कैपिटल है तो यहाँ पे लॉस आपको इस तरह का हो सकता है कि आपका पूरा अकाउंट है वो ब्लो अप हो जाए। इस वजह से मार्टिंगल है ये एक रिस्की स्ट्रेटजी है अगर आपकी कैपिटल है वो लिमिटेड है तो। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है तो आप मार्टिंगल को ट्रेड कर सकते हो। तो बीइंग ए रिटेल ट्रेडर, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको मार्टिंगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके पास कैपिटल है वो लिमिटेड है। लेकिन हाँ, आपके पास टेबल पर इतना पैसा है कि आपको मार्जिन की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो आप बिल्कुल मार्टिंगल को यूज कर सकते हो। मार्टिंगल अगर आप करते जाते हो तो इवेंचुअली होगा क्या कि आप उस पोजीशन से प्रॉफिटेबली बाहर निकलोगे, क्योंकि मार्जिन की आपके पास कोई दिक्कत है नहीं और मार्केट जितना आपको चैलेंज करेगा उतना ही आप डबल अप करते जाओगे अपनी क्वांटिटी को। और इवेंचुअली होगा क्या, एक्सपायर डे पे मार्केट कहीं तो एक्सपायर होगा, जहां पे मार्केट एक्सपायर होगा वहां पे आपका जितना भी लॉस आपने बुक किया है उससे ज्यादा प्रॉफिट आपकी जो ओपन पोजीशन है उसमें आपको हो जाएगा। तो अगर आपके पास कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है तो आपको मार्टिंगल करना चाहिए, अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा कि मार्टिंगल आप मत कीजिए, क्योंकि मार्टिंगल में आपके लॉसेज हैं वो पाइल अप हो जाएंगे। अगर आपकी कैपिटल बीच में खत्म हो जाती है तो आपका पूरा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। लोग इसको बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, इस तरीके से वो पोजीशंस को मैनेज करते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी है, उनके पास कैपिटल बड़ी होती है। तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी बेची हुई पोजीशन को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि मार्टिंगल क्या होता है। आज मैंने आपको ये समझा दिया है कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या, बाकी मैं आपको इसके बेसिस पे एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स से स्ट्रैंगल को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वो भी किसी और वीडियो में करके दिखा दूंगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को मैं जो वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं वो होने वाली है स्ट्रैंगल के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी है, इसका सेटअप आपका किस तरह का होना चाहिए, आपके ग्रीक्स क्या होने चाहिए, यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, और साथ ही हम समझेंगे कि यहाँ पे हम एडजस्टमेंट किस तरह के कर सकते हैं वीकली में भी और मंथलीज में भी। और इसके अलावा हम समझेंगे कि डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट क्या होते हैं, एक स्ट्रैंगल को आप डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट्स के थ्रू किस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो इस वर्कशॉप में हम स्ट्रैंगल के बारे में ए टू जेड सब कुछ सीखेंगे। ये कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है स्ट्रैंगल के ऊपर, और ये वर्कशॉप कंडक्ट होगी कमिंग संडे को। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।